खबर गाजीपुर जनपद से, जहां जखनिया कोतवाली से लेकर तहसील मुख्यालय बीआरसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहकारी समिति ब्लॉक एलआईसी ऑफिस मुख्य बाजार का अंतिम छोर यूनियन बैंक तक यह सभी संस्थान प्रतिष्ठान मुख्य मार्ग से सटा है। यहां के सड़क की स्थिति ऐसी नारकी बनी है कि किसी भी समय कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। प्रतिदिन कोई न कोई एक्सीडेंट होता रहता है। अधिकतर स्कूली बच्चे पानी से भरी टूटी फूटी सड़कों से घायल होते रहते हैं, लेकिन इस भयावह स्थिति की कोई भी अधिकारी, विधायक, सांसद व स्थानीय नेतागण सुध लेने को तैयार नहीं। अगर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से यहाँ की दुर्दशा से अवगत कराया जाता है तो वह माननीय लोग बोलते हैं कि हम सत्ता में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके इधर कुछ ही दिनों पहले जखनिया में आकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, स्थानीय विधायक लेना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जखनिया से ही मनिहारी फुद्दूपुर मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी करके गए, लेकिन अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। माननीय लोग तो बड़े बड़े वादे करके निकल लेते हैं, आम जनमानस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एसडीएम सीओ वीडियो सहित आला अधिकारी इसी रास्ते से प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन शायद उन्हें भी यह भयावह मंजर दिखाई नहीं देता। या सड़कों की दुर्दशा से क्षुब्ध होकर सामाजिक कार्यकर्ता वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो हम लोग सड़कों पर धरने पर बैठ जाएंगे।